आखिरकार जिस पल का इंतजार था वो इस पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हो जाता है बेटा, हमारी आगे की जर्नी। और अब मैं आपको पहले ये समझाता हूं कि हम क्लास किस तरीके से पढ़ने वाले हैं और क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज की क्लास में, क्योंकि पहली क्लास है, पहले क्लास में शुरुआत में थोड़ी ज्ञान की बातें होंगी और उसके बाद बेटा बहुत सारी पढ़ाई की बातें होने वाली है, ठीक है। सबसे पहले ज्ञान की बातें कि सर हम आपके लिए क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये सारी चीजें बताऊंगा क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। सर हम आपके लिए क्या है, तो बेटा मैं चाहता हूं आपके अंदर इस समय जो बच्चा मुझे देख रहा है ना, उसके अंदर एक एक क्वालिटीज किसकी होनी चाहिए, अर्जुन की, ठीक है। क्या है क्वालिटीज अर्जुन की, सबसे पहली क्वालिटी अर्जुन की क्या है, जो आपके अंदर हम चाहते हैं या हम चाहते हैं आप उसको अपने अंदर महसूस करो, थोड़ा फील करो। सबसे पहली क्या है बेटा, हार्डवर्क। भाई अर्जुन जी बहुत ज्यादा मेहनती थे, बहुत ज्यादा हार्डवर्क। तो बेटा ये सबसे पहली चीज है जो मैं आपके अंदर चाहूंगा। अब आपको और हमको मिलकर के खूब सारी मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, आपके अंदर कोई भी बेटा विनिंग फैक्टर आता है ना, कोई भी युद्ध, कोई भी जंग, कोई भी एग्जाम आप तब क्लियर कर पाते हो जब आपके अंदर कंसिस्टेंसी होगी। एक दिन दो चार घंटे पढ़ लिया और एक दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं चलेगा। यू हैव टू बी कंसिस्टेंस, आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहला आ गया हार्डवर्क, दूसरा आ गया कंसिस्टेंसी, थर्ड बेटा पेशेंस। थोड़ा पेशेंस लेके बैठना, सबर लेकर के बैठना। ऐसा जरूरी नहीं होगा हर बार कि आप पढ़ने बैठे और एकदम से सारी चीजें आ गई आपको, क्लियर है। आपको कोई चीज समझने में, कोई कॉन्सेप्ट समझने में बेटा थोड़ी देर भी लग सकती है। कई बार ऐसा होगा कि मैं थ्योरेटिकल चीज आपको समझाऊंगा पर उसका बेटर एक्सप्लेनेशन आपको कब आ जाएगा, जब आप उसको बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। तो थोड़ा क्या रखना है बेटा, हार्डवर्क पहली चीज, दूसरी चीज कंसिस्टेंसी, तीसरी चीज क्या होनी चाहिए बेटा आपके अंदर, पेशेंस होना चाहिए। यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे आ जाता है, ट्रस्ट योरसेल्फ। जब पूरी दुनिया आपके विरुद्ध हो जाएगी ना, उस टाइम पे आपको अपने अंदर विश्वास रखना है। अभी पता, जब आप किसी से भी कहोगे ना कि यार मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, या कोई आपसे मिलेगा आप कहेगा यार मैं नीट की तैयारी कर रहा हूं, वो पहले बार में पता हंसेगा आप पे कि यार बहुत देखे ऐसे डॉक्टर बनने वाले। उस टाइम पे आपको अपने अंदर विश्वास रखना है कि नहीं यार, मुझे आपका तो पता नहीं है कि आप बने ना बने हो, मुझे मेरा पता है कि मैं तो डॉक्टर बन के रहूंगा। आप पे बेटा जब दुनिया में कोई भी इंसान विश्वास ना करे ना, उस टाइम पे भी आपको अपने आप पे विश्वास रखना है कि यार नहीं यार, आई ट्रस्ट माई सेल्फ। और ये मेरा पहला, ये मेरा आखिरी स्टेटमेंट रहेगा। और जिस दिन नीट का पेपर देने जाओगे ना, उस दिन भी बेटा मैं यही कहूंगा कि बस अपने आप पे विश्वास रखो, तेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। इससे पहले पढ़ाई करी नहीं करी बेटा इससे मैटर नहीं है, अपन इतने बेसिक से चीजें सीखने वाले हैं, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है और ठंडे दिमाग से सारी चीजें पढ़नी है। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रस्ट योरसेल्फ। जल्दी से एक बढ़िया सा डोला बना दीजिए कि हाँ सर हम अपने आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। जल्दी से कि हाँ सर हमें भी अपने आप पे विश्वास है, हमें भी अपने आप पे ट्रस्ट है कि इस बार का पेपर हम लोग जरूर निकालेंगे।